अच्छा, परसेंटेज जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो परसेंटेज जो वर्ड है वो बना हुआ है परसेंट से, ठीक है। अब परसेंट का क्या मतलब है? ये पर सेंट, ठीक है, ये जो है, और ये पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब क्या होता है? सौ या सेंचुरी। सेंचुरी का पता ही है ना, क्रिकेट में जब बैट्समैन 100 स्कोर मारता है तो कहते हैं कि सेंचुरी होगी इसकी, ठीक है। तो ये परसेंटेज की जस्ट एक शॉर्ट टर्म डेफिनेशन थी। अच्छा, उसके बाद इसके आज हम करेंगे, इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे परसेंटेज का, फिर बेसिक लेवल का करेंगे इसका, और फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। आप ना, अगर आपने अपने साथ पेज या पेंसिल नहीं उठाया हुआ तो उठा लें, क्योंकि इसमें हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें कोई कहता है कि 30%, ठीक है, 30% का क्या मतलब होता है? 30%, ठीक है, मतलब 30, 100 में से 30 ना, 30%। परसेंट हमें क्या शो करता है कि 100 में से 30, एडमिट कर दूं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? 30/100। और अगर इस तरह हम बात करें कि हम कहते हैं 1%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/100, ठीक है। अगर इस तरह हम करते जाएं तो परसेंट को रिप्लेस करेंगे हम किस चीज से? डिवाइड बाय 100 से, 1/100 से करेंगे, सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें कोई कहता है कि भाई आप बताएं कि आपके पास 30% ऑफ 40 क्या होगा, ठीक है, 30% ऑफ 40 क्या होगा? अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो ये 30% मतलब हमारे जहन में आ गया भाई, ये तो ये चीज है, 30% मींस ये। अच्छा, किसका? 40 का मल्टीप्लाई कर देना है, सही हो गया। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 12, ठीक। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और देखें कि हमें कहे कि 25% ऑफ 30 क्या होगा, 25% ऑफ 30 क्या होगा? अच्छा, इस केस को ना अगर हम चलें पहले एक और करवा दूं, उसके बाद कि 25% ऑफ 30 के बारे में हमसे कोई पूछता है, ठीक है, कि वो क्या होगा, तो दोबारा वही करेंगे, 25/100 into 30 कर देंगे, तो ये हमारे पास इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 और फिर उसके बाद 5 3 15, 15/2 7.5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से हल होता जाएगा। लेकिन इसका एक और मेथड है जो शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे है? हमने क्या करना होता है कि अगर हमें कहता है कि 25% ऑफ 30, अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो ये तो मेरे पास इस तरह भी हो सकता है कि मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और 30% है मतलब 10 में, हाँ, हाँ आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ है? नहीं, आवाज क्लियर है। पता नहीं अनस भाई कुछ हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस तरह करते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, अगर पेपर में हम तो ये नहीं करने लग जाएंगे ना कि इसको इस तरह सॉल्व करें, हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ जाएगा, और देखेंगे कि ये एक जीरो है, तो एक जीरो का मतलब क्या है कि 100 होता है, ठीक है, 100 से एक कैंसिल हो जाएगा, अगर लेट सपोज इसको डिवाइड बाई 10 में करता हूँ तो वो क्या होता है? 7.5। ये तो इस केस में है, ये बात समझ आई है या नहीं? सर जी, सर इफ यू डोंट माइंड सर, ये फर्स्ट वाला कैन रिपीट करें, मेरा इंटरनेट इशू था। अच्छा, फर्स्ट का ऐसे फर्स्ट वाला कोई मसला नहीं, वो जी कह जी रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी नंबर दे देता है, मुझे कह देता है कि आप फाइंड करो 60% ऑफ 40,
ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 60% ऑफ 40 क्या होगा, 60% का मैंने बताया 1/100 होगा और 40 का करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 10 6 और 24 आ गया, ये हमारे पास आंसर होगा इसका। ठीक है, ये दूसरी लॉजिक समझ आई है ना, दूसरी लॉजिक में क्या करता। अच्छा, इससे एक और मजे की बात आ गई, इस तरह एक इस मेथड से आ गया ना कि 24 आएगा, अगर इसको हम ट्रिक से सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 6 4 24 लिख देंगे, ठीक है, उसके साथ 2 0 है, 2 0 है ना, उन 2 0 को हम कैंसिल कर देंगे आपस में, तो हमारे पास 25 आंसर ही आएगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, कि मैं कह रहा हूं कि 6 को 4 से करेंगे तो 00 है वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 6 4 24 24 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो मैं ये वाला कर रहा हूं ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट है। सही। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह हलवा तो नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, इंटरव्यू में समटाइम पूछ लेते हैं इसका, जल्दी फाइंड करो, तो फिर आपने ये ट्रिक यूज करनी है। अच्छा, उसके बाद एक और मेथड है, ये तो हमारे पास क्या था, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड था और उसकी हमने शॉर्टकट देख लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते होते हैं, स्प्लिटिंग मेथड में अच्छा इस केस में अगर देखें, अगर मुझे कहता है 65% ऑफ 85 फाइंड करो, ठीक है, या मुझे कहता है कि 65% ऑफ 90 फाइंड करो, ठीक है, तो अगर इस केस को हम उठा के देखें तो अब क्या हम कहेंगे कि यार ये तो बड़ी मुश्किल है कैलकुलेशन, ठीक है, कि 65 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके उसके लिहाज से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे क्या है कि 65 को 9 से कर देंगे, 9 5 45, ठीक है, और उसके बाद 54 5 85, और हमने देखा कि 90% है तो 58.5, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। और अगर कोई बड़ा नंबर होगा ना तो उस केस में क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक तो ये वाला है ना, एक तो ये तरीका जो मैंने पहले समझा दिया वो डायरेक्ट मेथड था, अगर आप डायरेक्ट मेथड आपको पसंद आता है वो उससे कर लें, और अगर ये वाला आता है तो इससे कर लें। अब इसको हम कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि ये मेरे पास क्या है, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, ठीक है, मैं कह देता हूं 50 कर लेता हूं, फिर उसके बाद +10 कर लेता हूं, फिर उसके बाद +5 कर लेता हूं, मतलब ये परसेंटेजेस हैं सारे, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट्स में, उसको फिर मैं क्या कर देता हूँ 90 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको देखें, 90 का 50% क्या क्या होगा, 45 हो जाएगा। अच्छा, 90 का 10% क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 का 5 मतलब इसी का 5% क्या होगा, लाइक हमने 10% निकाल लिया ना कि वो 9 है, तो उसका 5% क्या होगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है, तो उसका भी आंसर जो है यही हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है, समझ आई है ये बात या नहीं। इसको प्लस करें ना 45 को 9, और ये करें तो 58.5 ही आता है, समझ। सही है, कुछ आगे से रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, साथ साथ करते जाएं, अपने रजिस्टर पे करेंगे तो फिर आपको भी ज्यादा जल्दी आसानी से समझ आती जाएगी। अगर हम कहें कि भाई हमारे पास क्या हो कि 65% ऑफ 90 हो, ठीक है, 65% ऑफ 90 हो, इस केस में क्या करेंगे, ये मैंने करवा लिया है, मैंने करवा लिया, ठीक है, अब अगर अगला देखें कि हमें कहते हैं कि 59% ऑफ 45, ठीक है, तो इस केस में अब दोबारा हम क्या करेंगे, हम अब देखें अब करीब हमारे पास कौन सा है, ठीक है, हाँ, 85 का डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, या जो मैं ये करा रहा हूं इस तरह भी कर सकते हैं, जो मर्जी है कर लें, जो आपको इजीली लगता है वो करें। अच्छा, अब 59% ऑफ 45 की बात करें, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि
यार अब हमने देखना कि इसके करीब क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अच्छा तो 60 आ रहा है, तो इससे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं ये कर देता हूँ 50 और प्लस 10 कर लेता हूँ। प्लस 10 क्यों कर रहा हूँ कि यार 10 में से फिर मैं 1% माइनस करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा अल्टीमेटली। तो उसको मैं, या फिर एक ये मेथड है, तो इस मेथड को अगर हम करें तो 50% ऑफ 45 क्या होगा, 45 का 50% क्या होगा, 22.5 नहीं, 22.5 नहीं होगा, 45 का 50%, यस 22.5, ठीक है 22.5 इसका ये होगा। और अगर इसका देखें कि इसका 10% क्या होगा, या डायरेक्ट इस मेथड से भी अगर नहीं आता ना, तो हम इसका 10% फिर 5% फिर उसके बाद उसका 1% देखें। अगर 1% हम देखेंगे तो वो 1% इसका क्या होगा, 0.45, ठीक है। पहले ये चीज समझे, मैं स्टार्ट में भूल गया था। अगर लेट्स सपोज हमें कोई कहता है कि इसका आप 10% फाइंड करो, तो 10% के लिए हम क्या करेंगे, 4.5, ठीक है। अगर हमें कोई कहता है कि इसका 1% फाइंड करो, तो फिर हम कहेंगे 0.45, ठीक है। एक तो ये चीज है, ये क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इस केस में ये क्या है, 45 का हाफ हो गया। अब अगर इसका 10% हम देखें तो 4.5 हो गया, ठीक है। लेकिन लफ्ज हमारे पास क्या है, 59 है। तो 59 को हम किस तरह टैकल करेंगे कि यही इसका हम 5% देखेंगे, ठीक है, और 5% के लिहाज से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। और उसके साथ जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 26.55, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम आगे इसके बढ़ते हैं, ठीक है। एक ये भी मेथड है कि आप 60 से -1% कर लो डायरेक्ट, तो 60 में से -1%, 1% हमें पता है कि -0.45 है, ठीक है। 60% हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। 60% किस तरह करेंगे कि हम पहले 50% निकालेंगे, फिर 10% उसमें प्लस कर देंगे, और फिर इसमें से ये -1% कर देंगे, तो हमारे पास आंसर 26.55 आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और अच्छा अब आप लोग फाइंड करें जरा, 56% ऑफ 450 क्या होगा। नोट्स बंद कर दें, वो जो मैंने दिए ना वो बंद कर दें। अब फाइंड करें 56% ऑफ 450 क्या होगा, ये स्प्लिटिंग मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें। क्या होगा, अभी तक नहीं फाइंड हुआ। तो फोर जीरो फाइव, आएगा 405 कैसे आ गया। फोर जीरो फाइव नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है बताता हूं। अब इस तरह का सवाल आ गया, ठीक है, कि 56 करना है, तो हमें, हमारे लिए जो फिजिबल मेथड होंगे ना, हम वो करेंगे, ठीक है। अब हमने ना अपनी सहूलत के लिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया कि 50% होगा। अच्छा 50% इसका क्या होगा, 225 होगा, ठीक हो गया। अब इसका 1% देखते हैं, 1% क्या होगा, अभी मैंने बात की है कि 1% क्या होता है, ये ठीक हो गया, 1% ये हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका 10% देखें तो 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। और 45 का 5% फिर क्या होगा, 22.5। अब इन सबको ऐड करें, वो आपके पास आंसर है।
ठीक है, समझ आई है? कुछ स्प्लिटिंग मेथड का एक और भी कराऊं? इसके अलावा और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो काफी लंकी मेथड, और किस तरह का, मतलब उसका ये भी कर सकते हैं ना, जिस तरह मैंने ये बता दिया, मिटा दूं ठीक है। क्या ये ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा ही दीदी रहेंगे इधर इस पे। हुआ? नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से देखें, ये आपकी माइंड गेम है कि आपको किस तरह समझ आती है। अब लेट सपोज किसी को कौन सा मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड था ना, वो हमारे पास बेसिकली वो ट्रेडिशनल मेथड ही था, कि अगर ट्रेडिशनल मेथड इसके साथ हम करते हैं तो उसका क्या होगा, उसका इस तरह हो जाएगा। देखें हम 56% है, 56 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इंटू 450 कर देंगे, ये ले ठीक है, 9 2 ठीक हो गया। अब देखें ये जाता है, हाँ 2 8 28 को 9 से कर दें, ठीक हो गया, 72 हो गया, 9 2 18 हो गया, और 25 इस तरह से दो स्टेप में हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इस तरह बाकी इजी है। वो परसेंटेज और जो भी आपने मेथड बताया वो भी जरूरी है। बाद एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, 50% बताएं या 10% बताएं या 2% बताएं। अभी पता है क्या है, अभी आगे जब वर्ड प्रॉब्लम इसकी आएगी ना, तो उसमें ये चीजें यूज होंगी। मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि अभी आप लोग को बता देना है कि ये चीजें हैं, ठीक है, तो फिर आगे से आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि 12.5% ऑफ 1458, ठीक है, अगर हम बात करें कि 12.5 अच्छा, अब 12.5 जो होता है वो क्या होता है, 12.5 देखो, 24 जो 100 का पार्ट होता है, तो 25 सॉरी जो 25 होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है ना, तो जो 12.5 होगा वो किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा। ये चीजें याद रखनी है, 12.5 किसके बराबर होगा, 1/8 के, ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, कि 158 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, और इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को देता हूँ, वो करें अभी और फिर मुझे आंसर बताएं, सबने बताना है, ठीक है, ऐसे ना हो कि एक बंदा कोई कर रहा हो और बाकी ना कर रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 15.5% ऑफ, ठीक है, 12.45 को माइनस करें 12.5% ऑफ, जिस मेथड से भी करें, टाइम देख लें कि जिसमें कम टाइम लगे, 4 5 8 करेंगे। थर्टी सेकेंड्स हैं, ठीक है, 30 सेकेंड्स में जो भी सॉल्व करेगा। कौन सा वाला पॉइंट, जो लास्ट पे किया आप बताएंगी तुम्हें, 15.5, अच्छा यही है ना, यही तो करने को दिया हुआ, अभी कर देता हूं। चलिए कर देता हूं। अच्छा, अब इसको देखें जरा, सबसे पहले हमने क्या करना है, 15.5% ऑफ 12.45, अब इसको ना हमने स्प्लिट कर देना, स्प्लिटिंग मेथड इसमें कारआमद होता है, ठीक है। अब अगर 15.5 है तो हमने सबसे पहले 15 को अलग लिख देना है, सही हो गया, प्लस 0.5 कर देंगे, बात एक हो जाएगी ना, बात एक ही होगी ना इसकी, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम आगे से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, 10 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है, और 0.5 जब हम 1% बेसिकली लेते होते हैं ना, तो 1% को डिवाइड बाय 2 करें, अब बताता हूँ, अब अगर इसका हम 10% लेंगे, 10% इसका ये हो जाएगा, ठीक है,
124.5 हो जाएगा। 124 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 5% हो जाएगा इसका, ठीक है। 124 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 5% हो जाएगा, वो क्या होगा 62.25 हो जाएगा। और अगर इसका 1% लेंगे तो वो क्या होगा 12.45 होगा, ठीक है। 1% क्या लेंगे 12.45, लेकिन फिर हमारे पास क्या 0.5 है ना, तो 1% का जब हाफ होगा तो उसका क्या होगा 6.22। अब चले इसको करते हैं, प्लस 124.5 प्लस 62.25 और 6.22, ठीक है, 192.97 इसका आ गया, सही। अब अगर इस दूसरे वाले के, इसके दूसरे पार्ट, अब दूसरे पार्ट का तो मुझे आंसर बता दे, वो किया है अभी समझ नहीं आई आयशा नवाज, अभी भी समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरा भी नहीं किया किसी ने, अब वो तो कर लें सॉल्व, अगर समझ आ गई तो करें। ठीक है, 182.2 ठीक हो गया। अब इसको ये जो आंसर आया उसमें से माइनस कर लें तो हमारे पास 10.72 इसका आंसर आ जाएगा। वो करने की जरूरत है या कर लेंगे? वो तो आसान है ना कि 12.5 मैंने बोल दिया, 12.5 का मैंने मतलब बता दिया कि 12.5 असल में क्या होता है, 100 का आठवां हिस्सा होता है, तो उसको 1458 को डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे, सही। अच्छा, अब हमारे पास एक और टाइप आती है क्वेश्चन की, ठीक है, कि उसमें से हमसे पूछता है कि भाई आप बताओ कि डैश परसेंट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है 160 इज इक्वल टू, या 180 जो भी आप करें, 64 डिवाइड बाय 2। अब इस तरह का सवाल आ गया। अब आपने ना यहां पे पहले घबराना नहीं और इसको हल करना है, रूट को आप भूल जाए फिलहाल। अब हमें क्या कहता है कि 160 ऑफ दिस, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, जब हमें ये नहीं पता तो इसकी जगह हम कोई x ले लेंगे, हम कह देंगे 160 ऑफ x स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे क्या होता है इसके साथ, आप ना फिलहाल के लिए इस स्क्वायर रूट को भूल जाए। अब जब इसको आप भूल गए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या करेंगे, ये यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम उधर ले जाएंगे, ट्वेंटी हो गया, ठीक है। 32 कैसे आया, हाँ 32 कैसे आया, ये 64 को डिवाइड करो ना 2 के साथ, 2 to the 4, 2 3 6, 32, ठीक है, लिखा हुआ है सवाल में, लिखा हुआ। अच्छा, अब ये 20 आया ना, लेकिन उसने हमें क्या बोला है कि स्क्वायर रूट, तो अब हमने ढूंढना है कि 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या वो कौन सा डिजिट है, या कौन सा वो कहेंगे कि डिजिट्स हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास ये 20 आएगा। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 400 हो जाएगा। तो हम इधर इसको 400, स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है कि 400 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, लेट सपोज स्क्वायर रूट क्या होता है कि स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता होता है, तो अगर 20 का मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास 400 बनेगा और उसी को स्क्वायर रूट कहते हैं 1/2। तो ये जो इसका आंसर होगा तो उसका इसकी जगह क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये 160, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑल राइट, सही हो गया। अब ये बात समझ आई है? सही है। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई सवाल आता है और उसमें कहता है कि भाई एक और तरीके से पूछता है, हमें कहता है कि 66% ऑफ क्या है, 350 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 1256। अच्छा, अब इस केस में क्या करना है? अब आप मुझे बताएं कि आप ट्रेडिशन मेथड लगाएंगे परसेंटेज निकालने के लिए या वो स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे? सही है, लगा दोनों सकते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, 66 अगर इसका पहले, सबसे पहले इसका करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर हमें नहीं पता ना। ठीक है, इसको पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, ऑफ का ये हो गया 350 हो गया, सही हो गया। ब्रैकेट दोबारा हमने क्लोज कर दिया, प्लस कर दिया, ये नंबर हमें नहीं पता, उसको एक्स का नाम दे दिया, 5/8 कर दिया, ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया, 1256 कर दिया, ये क्वेश्चन एक बन गई हमारे पास। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे हम, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया जी, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 33 हो गया, 33 को 7 से करेंगे, 21 हो जाएगा, 7 3 21, 231 हो जाएगा, 231 हमारे पास ये आ गया, प्लस एक्स कर लिया, उसके बाद 5/8 करेंगे इनको 1256, अगर इससे हम करते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 4 6 2 8, ठीक है, फिर उसके बाद 2 के साथ जाते हैं 3 1 4, फिर उसके बाद 2 के साथ जाते हैं 1 5 7, 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 785 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा, 785 आ जाएगा, 231 प्लस एक्स हो गया, सही हो गया। अब ये एक्स यहाँ पे है, ये यहाँ पे प्लस है, 785 हो जाएगा माइनस 231 हो जाएगा। अब 785 से 231 को माइनस करेंगे अब तो क्या आएगा, 4 5 5 554 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे आगे। ठीक है, ये मेथड इजी है, सही है। अच्छा, क्लियर है, सबको क्लियर है? अच्छा, अब हम करते हैं, अब हमारे पास एक सवाल है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो मैंने अभी ये चीजें करवाई है ना, संडे को इसका टेस्ट होगा। जितने एबिलिटी के मैंने पोर्शन कराए हैं, परसेंटेज का मैंने कराया, मोड, मीडियन, रेंज और उसके बाद एवरेज भी कराया है, तो इसी में से सवाल होंगे। ठीक है, जिस तरह एबिलिटी का 60 नंबर का होगा, उसी तरह उसी इसका भी होना है, 60% इसका होगा, 50 उस इंग्लिश का आएगा और पाकिस्तान फिर का जितना किया, जितने एमसीक्यूज बने उस लिहाज से आएगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कि 15% इंक्रीज किस में, इन द नॉमिनेटर। अच्छा, ये क्या होता है, ये नॉमिनेटर होता और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, मोस्टली को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे। सर पेपर में स्प्लिटिंग मेथड का पूछते हैं या अपनी मर्जी है? नहीं, अपनी मर्जी है, जो भी लगा लें। ठीक है, अच्छा, 15% इंक्रीज इंक्रीज इन द नॉमिनेटर एंड आगे से बोलता है 8% डिक्रीज इन द डिनोमिनेटर।
ठीक हो गया। ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन गिव्स 15/16, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास? अब इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो इस केस में हमने ये चीज देखनी है कि ये हमारे पास क्या है, हम कोई भी अभी हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉमिनेटर को हमने x का नाम दे दिया, ये y का नाम दे दिया, ठीक हो गया, और हमने लिख दिया कि ये क्या है, किसके बराबर 15/16 है। क्यों? वो हमसे पूछ रहा है कि 15% इंक्रीज करते हैं हम नॉमिनेटर में और 8% डिक्रीज करते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन देता है वो 15/16 देता है, बताएं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। अब हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये जो x है, ठीक है, ये 100% है, ठीक है, 100 होगा ना, 1% क्या होता है, 100% जो भी हो, इसको हमने कंसिडर करना है, ये 100% है, y को भी हमने कंसिडर करना है, 100% है। अच्छा, अब वो हमें ये बोलता है कि भाई आप क्या करो कि नॉमिनेटर में 8% डिक्रीज करो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करो, डिक्रीज 8% डिक्रीज करो, 15% नॉमिनेटर में इंक्रीज करो और 8% डिक्रीज करो डिनोमिनेटर में। अब अगर हम इसमें से 100 में से 15 को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 8 को तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है, 92 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 92 हो जाएगा, ये क्या है, 15 और 16। अब हमने क्या करना है इस तरह के सवाल में कि हम जल्दी हमारा सॉल्व हो, तो इस तरह के सवाल में हमने क्या करना है कि इसके सामने ना, एक मिनट, इनको अपोजिट कर देना है, ठीक है, कि मतलब ये तो 15 के, ये सामने इसकी ये है ना कि x के है, x वाले को ना y वाले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेकिन अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या कर देना है, सिंपल आपने ये चीज देखनी है कि 15 बाय 16 को क्या करेंगे, 92 और 115 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगा वो 3/4 होगा। कैसे, ये 3 हो गया, 2 हो गया, और उसके आगे इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 3/4 ही आता है इसका आंसर, ठीक है। इस पर रिपीट करना जरा, इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है, वो कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है किसमें, नॉमिनेटर में, तो नॉमिनेटर हमने सपोज कर लिए कि भाई वहां पे जो वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या है, वो 100 है, एक्स एक्स और वाई हमने सपोज कर लिया, और फिर हमने बोल दिया कि वो हमारे पास क्या है, वो 100 है। अब वो कह रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे में कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है, तो जब 100 हमने एज्यूम कर लिया कि वो एक्स भी है और वाई भी है, मतलब फुल वैल्यू है, तो उसमें से जब 100 में से हम 15 को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन 115 बन जाएगा, और जब उसमें से 8 को माइनस करेंगे तो वो 92 बन जाएगा, असल में मेरे पास क्या आएगा, 115 बाय 92 आएगा ना, इस फ्रैक्शन को